हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ महक जी हैं, अंशुल जी और इनका बेटा प्रियांश। अभी तीनों का फिनलैंड का रेजिडेंट परमिट कार्ड आया है बेस्ड ऑन स्टडीज। सो मैम बेस्ड ऑन स्टडीज जा रहे हैं, सर और इनका बेटा डिपेंडेंट बेसिस पे साथ में ट्रैवल कर रहा है। एक साल के इनके परमिट कार्ड्स आए हैं तीनों के, और हम इनसे एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन करेंगे, समझेंगे कि इन्होंने फिनलैंड क्यों चुना, क्या मैम का बैकग्राउंड था, एम्बेसी इंटरव्यू में कैसे सवाल आए, और फिर हम इनसे जानेंगे कि एडुफिन के साथ इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि फिनलैंड जो है हैप्पीएस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वुमेन के लिए सेफ्टी है, क्राइम फ्री नेशन है, और सबसे बड़ी बात है बच्चों का बहुत अच्छा फ्यूचर है वहाँ पे। बच्चों के लिए स्टडीज भी फ्री हैं। 2012 में ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद से मेरा गैप ही चल रहा है। सर, एडुफिन के साथ मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ का स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है। सो सबसे पहले मैम बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, ये आपका रेजिडेंट परमिट कार्ड, और ये सर आपका कार्ड, और ये बेटा जी आपका कार्ड। सबसे ज़्यादा तो आपको ही मज़ा आने वाला है वहाँ जाके। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैम सर और बेटे के पास रेजिडेंट परमिट कार्ड है। फिनलैंड की ये खासियत है कि इंडिया में बैठे ही आप रेजिडेंट परमिट कार्ड लेके वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जाके कोई कार्ड के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए मैम से बातचीत शुरू करते हैं। सो मैम, ऑडियंस को पहले तो ये बताएं कि जैसे दुनिया क्रेजी है, USA, कनाडा, UK सब सोचती है, फिनलैंड का उन्होंने सुना भी नहीं होता वर्ड। सो आपको फिनलैंड में ऐसे क्या पॉजिटिव पॉइंट्स लगे कि आपने सोचा चलो बाकी की लाइफ हम फिनलैंड में जाके बिताएं? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि फिनलैंड जो है हैप्पीएस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वुमेन के लिए सेफ्टी है, क्राइम फ्री नेशन है, और सबसे बड़ी बात है बच्चों का बहुत अच्छा फ्यूचर है वहाँ पे। बच्चों के लिए स्टडीज भी फ्री हैं, सो दैट्स व्हाई मैंने फिनलैंड चूज़ किया। बहुत बढ़िया मैम। सो जैसे मैम आपको बता रहे हैं कि क्राइम फ्री, कोई रेसिज्म नहीं, अच्छी इनकम, बच्चों के लिए पढ़ाई फ्री, साफ हवा, क्लीनेस्ट वाटर, क्लीनेस्ट एयर, ऐसे कितने ही एडवांटेजेस हैं फिनलैंड के। तो जैसे मैम ने रिसर्च की खुद से गूगल पे और इस कंक्लूजन पे पहुंचे, तो आप भी नेट पे रिसर्च करें कि फिनलैंड में ऐसा क्या स्पेशल है कि उसके बारे में जाने का सोचा जाए कि ना सोचा जाए। सो मैम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एकेडमिक्स की बात करते हैं। आपने इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को जानना रहता है कि बच्चे की क्या प्रोफाइल थी जिसका वीज़ा आया, बाद में भी हमारे से बहुत लोग पूछते हैं, तो आप खुद ही बताइए कि आपकी क्या एकेडमिक और वर्क एक्स और गैप वगैरह जो भी प्रोफाइल के पार्ट्स थे आप वो थोड़ा बताइए। सर, मैंने 2009 में अपनी प्लस टू की थी, उसके बाद मैंने 2012 में ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद से मेरा गैप ही चल रहा है। तो मेरे को इतने गैप के अंदर बहुत ही अच्छा फिनलैंड का स्टडी वीज़ा मिला है, जो मेरे को और किसी कंट्री में नहीं मिल सकता था। वंडरफुल। सो जैसे मैम आपको बता रहे हैं कि फिनलैंड एक बहुत ही ओपन माइंडेड कंट्री है, ये आपका एकेडमिक बैकग्राउंड देखती है, आपका जो भी मेरिट पे केस लेती है, ये इन चक्रों में नहीं पड़ती है कि गैप है नहीं है। हज़ारों चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, कोई मैरिज है, कुछ है, तो गैप पड़ ही जाता है। तो बट फिनलैंड इन चीज़ों को समझती है कि गैप इज़ नॉट अ क्राइम, और गैप होने के बावजूद भी, एकेडमिक गैप होने के बावजूद भी आपको खुले दिल से वहाँ पर इनवाइट करती है। मैम आगे आते हैं, बहुत सारे लोगों का ये क्यूरियोसिटी रहता है कि भाई एम्बेसी होती कैसी है, क्योंकि देखो आप तो हुआ हो तो आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप बच्चों के साथ थोड़ा, जो भी व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर करें जितनी भी डिटेल में कर सकें, उस दिन जिस दिन आप गए, सर गए, बेटा साथ में गया, पूरा प्रोसेस क्या हुआ, कहाँ से एंट्री हुई, अंदर क्या सवाल पूछे, जो भी आप बताना चाहें पूरा डिटेल में बताएं। सर, एम्बेसी में कुछ भी ऐसा नहीं था, जस्ट बेसिक्स क्वेश्चंस थे, कुछ भी डरने वाली बात नहीं थी। वो जस्ट हमारे से मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में पूछते हैं, बच्चों के डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस वो हमारे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स देखते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं था वहाँ पे, जस्ट नॉर्मल कन्वर्सेशन थी। कितना का टाइम मैम आपको अंदर लगा होगा पूरे प्रोसेस को होने में? सर, जस्ट 5 to 10 minutes, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं उन्होंने हमसे पूछा था। तो आप जब गए अपने स्लॉट पे, आप अंदर रूम में गए? हाँ जी सर। और वहाँ उन्होंने आपसे पूछा, तो आपको और सर को इकट्ठे बुलाया था? हाँ जी सर, हम इकट्ठे गए थे तीनों। ठीक है, तो जो वहाँ पे लोग हैं वो कितने पोलाइटली बात करते हैं, कैसे? सर, बहुत ही उनका फ्रेंडली नेचर है, कुछ भी ऐसा फील नहीं होता कि हम थोड़े वो उनके सामने वो हैं, जस्ट नॉर्मल टॉक थी, कुछ भी ऐसा नहीं। तो आपकी फाइल में कोई ऐसी उन्हें कमी लगी या उन्होंने कहा ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ऐसी कोई बात हुई हो? नहीं सर, सब डॉक्यूमेंट फाइल पूरी कम्प्लीट थी। हाँ जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, जैसे मैम बता रहे हैं आपको
कि इंटरव्यू VFS इसको आप हवा ना बनाएं, इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये कोई भी ऐसा अग्नि परीक्षा टाइप आपका वहाँ पेपर नहीं लिया जा रहा है, वो जस्ट आपसे एक जेन्युइन सी कन्वर्सेशन करते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो वो सिर्फ आइडेंटिटी कन्फर्म करने के लिए ही फिजिकली बुलाते हैं, तो उनका इससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा इंटेंट नहीं होता कि टटोले किसी को रिजेक्ट करें वगैरह वगैरह। तो उस प्रोसेस से कई लोग हैं जो सोचते हैं नहीं एम्बेसी इंटरव्यू वाली कंट्री में नहीं जाना, उसके कारण अगर आप फिनलैंड को छोड़ेंगे तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कहलाएगी। सो मैम आगे चलते हैं, थोड़ा आप बताइए व्यूअर्स को आप कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आपका वहाँ क्या प्लान है, क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्या सपने लेके जा रहे हैं? सर मैं यामक यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस में जा रही हूँ, जहाँ पर मैं डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट करने जा रही हूँ, जहाँ पे मुझे अपना बिजनेस करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे मिलेगी। ठीक है मैम, बहुत बढ़िया। सो वी विश यू ऑल दी बेस्ट। इन द एंड आप व्यूअर्स को कुछ एडोफिन के बारे में फीडबैक देना चाहें, और फिर हम सर से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को स्पाउस का भी पर्सपेक्टिव जानना होता है, तो पर पहले हम मैम से एडोफिन का ओपिनियन ले लेते हैं। सर एडोफिन के साथ मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ का स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है, जब भी मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की इन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि बेस्ट सर्विस है, आप भी यहाँ आइए और अपने वीजे के लिए ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों अब हम बात करेंगे अंशुल जी से, जो कि मैम के साथ स्पाउस डिपेंडेंट वीजा पे जा रहे हैं। सो सर आप पानीपत से हैं? जी पानीपत। सो आई एम श्योर आप हरियाणा में भी इस वक्त तो बहुत ज्यादा अब्रॉड का क्रेज है, बहुत सारे एजेंट्स हैं, तो आपने भी जरूर पहले कुछ सालों से ट्राई किया होगा, रिसर्च किया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पहले भी एक बार इंग्लैंड गया था 2009 में, बट किसी कारण से मैं 2012 में वापिस आ गया था। अच्छा, तो उसके बाद मेरा क्रेज तो खत्म हुआ नहीं। हाँ जी। फिर मैरिज हुई, चलो जैसे जैसे टाइम गया, लेकिन मेरा एक बारी तो होप ऐसी हो गई थी भी मेरा वीज़ा नहीं लग सकता। हाँ बिल्कुल भी। फिर पता नहीं मेरे को कैसे किसी ने एडोफिन के बारे में अच्छा बताया, तो फिर मेरे मनिंदर सर से बात हुई, तो उन्होंने हमें गाइड करा भी तुम ऐसे करो, 100% श्योरिटी देते हैं आपका वीज़ा आएगा। तो जैसे जैसे उन्होंने गाइड किया वैसे वैसे हम उनके हिसाब चलते रहे, तो फाइनली अब आज हमने क्या हमारा सर कार्ड भी आ गया। और हम सबसे बड़ी बात ये है सर, हम इकट्ठे जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। क्या आप कनाडा ले लो या US ले लो, ऑस्ट्रेलिया वैसे ही टफ है। हाँ जी। तो वहाँ मतलब स्पाउस का ऑप्शन मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी काफ़ी रिसर्च कर रखा है, फिनलैंड मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। बहुत बढ़िया सर। तो सर जब आप ये रिसर्च कर रहे थे फिनलैंड के बारे में और ऐसे स्पाउस में इकट्ठे जाना चाह रहे थे, तो आपने और एजेंट्स भी विजिट किए होंगे, जैसे आप तो पहले गए हुए हैं तो आपने तो पूरी दुनिया वैसी देखी है, तो जब आप बाकियों कंपेयर करते हैं और अब आपने जब एडोफिन के साथ 2-3 महीने का सफर पूरा कर ही लिया सक्सेसफुल, तो आप ऑडियंस को क्या एडोफिन के बारे में कहना चाहेंगे सर? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर किसी ने फिनलैंड जाना है या यूरोप में कहीं भी जाना है तो एडोफिन से ही संपर्क करें, 100% श्योरिटी वो तो देंगे, साथ मैं भी देता हूँ, आपका वीजा जरूर आएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि जो चीज़ मैंने खुद अपने ऊपर देखी है, मेरे को खुद ही उम्मीद नहीं थी मेरा वीज़ा आ जाएगा, लेकिन मेरा वीज़ा आया, तो फिर मैं किसी और को भी गारंटी दे सकता हूँ कि आपका वीज़ा 100% आएगा। थैंक यू सो मच सर। और सर काफ़ी ऑडियंस को ये भी रहता है कि मार्केट में एक ट्रेंड सा बन गया है, एजेंट्स क्या करते हैं कि पहले फीस कुछ बोलते हैं, फिर वीज़ा आने वाला हो तो और बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं, तो कुछ एडोफिन के साथ आपका ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं रहा जो हमने बताया फर्स्ट डे, क्या वैसे ही चला? बिल्कुल सर, वही सेम वर्डिंग जो आज से 6 मंथ पहले या 5 मंथ पहले मिला था मैं, जो मेरे को चार्जेस बताए थे उससे 1 रुपया भी कम या ज़्यादा जो भी मतलब मुझे बताए थे वो ही लगे, और जो हमें अनदर चार्जेस बताए थे वो उतने ही लगे हैं, मतलब हमारा कुछ भी 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगा, जितना हमें बताया गया था हमारे बजट के अकॉर्डिंग हमारा उतना ही खर्चा आया टोटल। बिल्कुल सही सर। लास्ट सर एक चीज़ पूछता हूँ, फंडिंग को लेके भी हमें बहुत सवाल हमारे YouTube चैनल पे आते हैं, और हम तो पूरा ट्रांसपेरेंट नॉलेज देने में बिलीव करते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कि हमारे पास आओगे हम तभी बताएंगे। तो सर जब 3 लोग जाते हैं जैसे हस्बैंड वाइफ और किड, तो कितना फंड आपको दिखाना पड़ा और आप कितने फंड जो दिखाया आपने साथ लेके जा रहे हो वो किस किस जगह पे आप वहाँ यूज़ करोगे, वो थोड़ा आप ज्ञान ऑडियंस को दें। सर हमें टोटल 20 लाख बोला गया था। हाँ जी। तीनों का। हाँ जी। 20 लाख टोटल दिखाना है और उतने ही हमने दिखाए। हाँ जी। उतने में ही अब ये जो हमारे जो फंड है, हाँ ये हम हमारा
अपकमिंग जो एक साल जब हमने वहाँ रहना है हाँ जी, उसका जो भी हमारे वहाँ एक्सपेंसिव होंगे रहने के खाने के पीने हाँ के, हम एडवांस लेके जा रहे हैं जो कि वहाँ की गवर्नमेंट बोलती है हाँ जी, कि तुम एक साल के लिए यहाँ आ रहे हो तो एक साल का अपना जो भी आपका यहाँ जो भी आपका खर्चा होगा हाँ यहाँ पे तो आप अपना साथ में लेके आए बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम मेरे को वर्क परमिट है, मैं वहाँ जाकर काम भी करूंगा यस, वो तो फिर मेरी टोटली सेविंग है ही हाँ जी, जबकि मेरे पास एक साल का खर्चा ऑलरेडी मेरे पास एडवांस में है और जो कि मेरे अकाउंट में है मैं वहाँ जाके उसको स्पेंड करूँगा। बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी है जब भी जो भी आप किसी भी कंट्री का, फिनलैंड या किसी भी कंट्री का कर रहे हैं, जो भी लिविंग एक्सपेंसेस आपने शो किए हैं वो लेके जाइए। चाहे आप वहाँ पार्ट टाइम वर्क करेंगे कमाएंगे, बट माइंड पे प्रेशर नहीं होगा, आपको पता है कि चलो एक दो महीने काम नहीं मिल रहा है या कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो मैं अपने साथ एक सेविंग अमाउंट लेके आया। चलिए सर, थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस आप तीनों को, और आप वहाँ जाके बढ़िया से ज़िंदगी बनाएं, यही हमारी दुआएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।